नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दबाइए बेल आइकन को, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ये जो रूट है खानदेश रूट मिस्टर रमेश महाजन जी का, वन ऑफ द बेस्ट रूट इन MSTS। सो टुडे आवर वीडियो इज वीडियो विजयवाड़ा साईनगर शिरडी एक्सप्रेस एंड वी विल सी द पैरेलल रन विद अनदर हमसफर एक्सप्रेस। सो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये है ओपन रेल्स, और ये किसी भी तरीके के मोबाइल में, एंड्रॉयड, आईफोन, किसी में नहीं चलेगा। इसके लिए आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, हैवी गेम है आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड हो या उससे ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड हो, 2 GB 4 GB, उसमें अच्छे से चलेगा। मुझे कई लोग बार बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, बार बार अब पूछते हैं कि क्या ये पहले तो इस खेल का नाम क्या है, तो मैंने अपने वीडियो में बार बार लिखा है, इस खेल का नाम है ओपन रेल्स, और ये किसी भी तरीके के मोबाइल में नहीं चल सकता। सो आप इस चीज़ को नोट करिए, और इस खेल ओपन रेल्स का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें आप डायरेक्टली जाके openrails.org से जाके उस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इंस्टॉल करना कैसे करना है, उसमें इंडियन एडॉन्स कैसे डालने हैं, वो वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसमें क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये जो रूट है ये है खानदेश रूट, और MSTS में जो बाकी के रूट्स हैं वो फ्रीवेयर हैं, ये रूट जो है ये पेवेयर है। बट पेवेयर के हिसाब से इसमें उसी हिसाब से अच्छी चीज़ें भी हैं। आपको ये रूट अगर आपको चाहिए तो आप मिस्टर रमेश महाजन जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक में सर्च कीजिएगा रमेश महाजन जी, तो उनका आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी विजयवाड़ा साईनगर शिरडी एक्सप्रेस, जिसका मनमाड़ से डिपार्चर अभी हो रहा है, और साथ में पैरेलल में आप एक लोको अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं शंटिंग करता हुआ, और हमारे लेफ्ट साइड में भी हमसफर एक्सप्रेस स्लो डिपार्चर, एक्चुअली ये भी शंटिंग एक्टिविटी है, हमारी हमसफर एक्सप्रेस की शंटिंग चल रही है उसकी, और बहुत ही प्यारा वीडियो आपके सामने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपके लिए हमेशा से कमेंट्री वाले वीडियोस लाने की कोशिश करता रहा हूँ, और आगे भी आपके लिए कमेंट्री वाले वीडियोस लाऊंगा, आप ज़रूर देखिए मेरे वीडियोस, और जिनमें कमेंट्री नहीं करता वो भी आप देख करके उसमें ट्रैक साउंड का और सीनरीज का इन सब इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं खानदेश रूट का विजयवाड़ा साईनगर शिरडी एक्सप्रेस डिपार्टिंग फ्रॉम मनमाड़ जंक्शन, एंड इट इज़ हैविंग सम पैरेलल एक्टिविटी विद हमसफर एक्सप्रेस, एंड दिस एक्टिविटी इज़ क्रिएटेड बाई मिस्टर आशीष तेजवानी भाई, हु इज़ फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। एंड अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये पैरेलल रन, आपको कई एंगल से बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। लोग पूछते हैं कि आप ये FOV कैसे चेंज करते हैं, तो इसका तरीका ये है कि आप अपने जो माउस का जो आपका मिडिल का रिंग बटन होता है, आप उसे स्क्रॉल करें तो आप ये FOV चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको कई तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा ये पैरेलल एक्टिविटी, और हमारी ट्रेन पूरी रफ्तार पकड़ती हुई, और लेफ्ट साइड की हमारी हमसफर एक्सप्रेस ये तो आगे जाके रुकेगी। ये देखिए, और दोस्तों बताइए आपको कौन से वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं आपके लिए हमेशा से वही वीडियो बनाऊँगा। और बहुत ही प्यारा नज़ारा आपकी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो ट्रेनें कर्व लेती हुई, बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप एक ट्रेन वहाँ हमारे सामने भी खड़ी हुई है, जिसे शायद आउटर पे खड़ा किया था मनमाड़ जंक्शन में, आप दूर से देख सकते हैं, आपको डिस्टेंट माउंटेन दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये देखिए डिस्टेंट माउंटेन्स, खानदेश रूट की बहुत खास बात, आपको बहुत प्यारे डिस्टेंट माउंटेन्स इस रूट में देखने को मिलते हैं, और ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया है, और हमारी ट्रेन की स्पीड उसी हिसाब से थोड़ी सी कम होती हुई, हमारी ट्रेन अभी इंक्लाइन पे चल रही है। और मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि MSTS एंड ओपन रेल्स में ये जो कोचेज हैं ये डायनामिक नहीं होते हैं, मीन्स आपको हर एक एक्टिविटी में आप चाहें कि फॉर एग्जांपल ये विजयवाड़ा साईनगर शिरडी एक्सप्रेस की एक्टिविटी है, तो आपको जो कोचेज है इसमें जो पेंट
पेंटेड इसका बोर्ड है, आपको इसमें वही लिखा दिखे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर केस में, क्योंकि कोचेस डायनामिक नहीं होते। आप सेम टाइप के कोच आपको हमें कई तरीके की एक्टिविटी में हम यूज़ करते हैं। और ये देखिए इस ट्रेन को आउटर पे जो खड़ी थी इसे सिग्नल मिल चुका है, तो ये अब मनवाड़ जंक्शन की तरफ बढ़ती हुई और हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस जिसकी शंटिंग हो रही थी वो अपने नियत लोकेशन पर पहुँच चुकी है। और बहुत ही प्यारा नज़ारा, ये देखिए दोनों की लास्ट बोगी। मैं हमेशा से ये सोचता था जब से मैं छोटा था, तो ये जो लास्ट जो कोच होता है जिसे हम हिंदी में डिब्बा कहते हैं, इसके पीछे ये LB करके लिखा रहता है। तो मैंने कहा अब मुझे आके पता चला कि दिस इज़ कॉल्ड एज लास्ट बोगी, मीन्स इसे लगाने से और इस कोच के पीछे X लिखने से हर स्टेशन जहाँ से ये ट्रेन निकलती है उसके स्टेशन मास्टर को पता होता है कि ये ट्रेन का लास्ट कोच यही है और इसके पीछे ट्रेन ने कोई डिब्बा नहीं छोड़ा। एक तरीके ये इसका साइंटिफिक रीज़न आप कह सकते हैं। और हमारी ट्रेन अब आपको मैं कैब व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ती हुई। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। फिर से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दबाइए बेल आइकन को जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मेरे वीडियो को मिलेंगे। और तो दोस्तों आप बताइएगा मुझे कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू, बाय।